वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपके सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित भाषण बोलने जा रही हूँ। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। यह गुरु हरगोबिंद जी के पांचवें पुत्र थे। आठवें गुरु इनके पोते हरकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जन्म द्वारा ये नमन गुरु बनाए गए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण करवाया और यह वहीं रहने लगे थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में इन्होंने वीरता का परिचय दिया। वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर तलवार के धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात में गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी एकांत में लगभग 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। आठवें गुरु हरकृष्ण जी के जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासन काल की बात है। औरंगजेब के दरबार एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ाते थे और उनका अर्थ सुनाते थे, पर वह पंडित गीता के कुछ श्लोक छोड़ दिया करते थे। एक दिन पंडित बीमार हो गए और औरंगजेब को गीता सुनने के लिए अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गए कि किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना आए। बेटा औरंगजेब को जाकर पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनाकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने अपने महान है और किंतु औरंगजेब की हठ धार्मिकता की वह अपने के धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे के धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। संसार को ऐसे बलिदानों से प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने जान दे दी परंतु त्याग का मार्ग नहीं किया। नवन पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु तेग बहादुर जी ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों एवं विश्वासों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरणों से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने की मात्रा एकमात्र मिसाल है नवन पातशाह की शहादत। थैंक यू।